नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में एक तरफ तो लोकसभा चुनाव चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है प्रचंड गर्मी की वजह से भी राजनीति खूब ज्यादा चरम पर आ गई है। एक तरफ तेजस्वी यादव हमलावर हैं के पाठक पर, तो दूसरी तरफ बिहार एनडीए के नेता भी हमलावर हैं। चिराग पासवान भी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं के पाठक पर। तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर के पाठक अभी भी बने हुए हैं और उन पर कई एक तरह के आरोप भी लग रहे हैं। आरोप लग रहे हैं ऐसा आदेश निकालने का जिसमें कि बच्चे बेहोश हो जा रहे हैं, शिक्षक बेहोश हो जा रहे हैं और गर्मी की छुट्टी नहीं दी जा रही है और बच्चे जो है बेहोश होकर के गिर रहे हैं और बिहार में जो है 59 मौतें भी लू लगने से हो गई है। तो इस प्रचंड गर्मी में मौसम विभाग के अलर्ट के बावजूद जो है के पाठक स्कूलों में शिक्षकों को आने के लिए कह रहे हैं। हालांकि अभी आदेश निकला है बीते दिनों कि बच्चों की 8 जून तक जो है छुट्टी कर दी जाए, लेकिन के पाठक ने इसमें भी ट्विस्ट ला दिया है। उन्होंने शिक्षकों को स्कूल आने के लिए कह दिया है। तो इस पर जो है शिक्षक नेता काफी ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा आक्रामक रूप में दिखाई दे रहे हैं। बंसीधर ब्रिजवासी हैं शिक्षक नेता, जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी बीते दिनों, और फिर से जो है बंसीधर ब्रिजवासी मुखर होकर के पाठक पर खूब गर्म हो रहे हैं और खूब बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं कि के पाठक जो है लगता है कि नीतीश कुमार के कोई कमजोर नब्ज जो है उनके हाथ में है, कोई राज जो है उनको पता चल गया है और वो ब्लैकमेल कर रहे हैं नीतीश कुमार को, इसीलिए नीतीश कुमार कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और के पाठक जो मन में आ रहा है वो करते जा रहे हैं। हालांकि बंसीधर ब्रिजवासी के इस बयान के बाद उन्हें बर्खास्त भी कर दिया गया है और वो ये वीडियो में कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि मुझे किसी भी वक्त बर्खास्त कर दिया जाएगा, ऐसी खबरें मुझे मिल रही है। तो क्या कुछ कह रहे हैं बंसीधर ब्रिजवासी, आप भी सुनिए। नमस्कार साथियों, आज जो बिहार का जो घटनाक्रम रहा, हम शिक्षा क्षेत्र में लगे शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों, राजनेताओं, सभी के लिए मैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद किसको धन्यवाद दूं, किसको बधाई दूं, किसको लानत मलानत भेजूं, किससे मैं क्या कहूं, मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूं। पहले तो अभी से 2-4 दिन पहले राज्य के महामहिम ने पत्र जारी किया राज्य के मुख्य सचिव महोदय के नाम कि जून के प्रथम सप्ताह तक सारे विद्यालयों को बंद कर दिया जाए। महामहिम की एक न चली। आज पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से कोहराम मचा, यह ऐसा नहीं था कि केवल आज ही हुआ है। आज बात केवल इतनी ही हुई कि आज मीडिया के लोगों ने इसको गंभीरता से लिया और पूरी नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने बिहार के सारे स्थिति को स्पष्ट कर दिया। जब मीडिया ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जब किरकिरी हुई, जब पोल खुली, तब जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को होश आया। अब मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूं कि मीडिया के साथियों को धन्यवाद दूं, या सत्ता या विपक्ष के उन राजनेताओं को धन्यवाद दूं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इतना ही कहूंगा कि जिस प्रकार का जो बिहार का जो आपका शिक्षा का मॉडल चल रहा है, हमको लग रहा है कि आप लोग इस मॉडल को अगर लागू रखे तो बहुत जल्द हमारे जो बिहार के बच्चे हैं ये विश्व गुरु बनने के बहुत करीब अब पहुंच गए हैं, और इसके लिए अग्रिम शुभकामना और हम बधाई आपको देते हैं। एक ओर नरेंद्र मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाने में लगे हैं और दूसरी ओर हमारे विभाग के जो आला कमान हैं ये उनसे भी 4 कदम आगे चल करके पूरे बच्चों को एकदम विश्व गुरु बनाइए के छोड़ेंगे। लेकिन जो पत्र जारी हुआ है उस पत्र में कह दिया गया है कि अब स्कूल जो है 8 तारीख तक शिक्षण कार्य बंद रहेंगे और शिक्षकों को यथावत पहले की तरह ही जाना होगा। जब प्रेस रिलीज आया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, तो प्रेस रिलीज में कहा गया चीफ सेक्रेटरी को कि स्कूलों को बंद कर दीजिए, और जब चीफ सेक्रेटरी ने पत्र लिखा तो उसमें कहा कि शिक्षण कार्य को स्थगित कर दीजिए। अब डीएम जो पत्र इशू कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा, तो शिक्षण कार्य अगर स्थगित रहेगा तो शिक्षक को तो जाना है। अब हम लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि हम लोग को कितने बजे जाना है,
चूंकि टाइमिंग तो 6 बजे का है तो फिर 6 बजे सवेरे पहुंचना ही है, फोटो खिंचाना ही है और आपको भेजना ही है। तो बच्चे नहीं आएंगे तो 1:30 बजे जो शिक्षक निकलेंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था किए? केवल बच्चे ही बेहोश हुए हैं या शिक्षक भी बेहोश हो रहे हैं? और 1:30 बजे दोपहरी में अगर शिक्षक विद्यालयों से निकलेंगे तो हमको लग रहा है कि कमांडो की ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब लोग कमांडो बन जाएगा। ये सब लोग जो है इन लोगों को ये सेना की ट्रेनिंग जो आप जो दे रहे हैं ये ट्रेनिंग, और हम चाहते हैं कि सब विभाग में लागू कर दिया जाए, सारे विभाग में एकदम आंख मलते हुए सारा कर्मचारी विभाग में पहुंच जाए और 1:30 बजे तक काम करके लोग घर निकल जाएगा, आराम से एकदम रहेगा। इसको सब में यूनिफॉर्मिटी कर दीजिए, पूरे सारे विभाग में इसको लागू कर दीजिए। क्योंकि जब बात होगी तो 8 घंटा ड्यूटी करवाना है, अगर वो 8 घंटा ड्यूटी अगर वो स्कूल में बच्चा नहीं आ रहा है तो कुछ लोगों को लगा दीजिए झाड़ू पोछा करेगा जाके आप लोगों के घर में। जिस तरह का तमाशा बनाया जा रहा है पता नहीं क्या होगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि यदि माननीय मुख्यमंत्री के आदेश को अगर एक व्यक्ति अंगूठा दिखा देता हो, जो लोकतंत्र का मंदिर कहा जाने वाला विधानसभा का विधानमंडल होता है उस हाउस के अंदर जो विधायिका का प्रधान होता है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री घोषणा करे कि विद्यालय का समय 10 बजे से 4 बजे तक चलेगा और वह लागू नहीं हो पाता है, यदि मुख्यमंत्री का प्रेस रिलीज जारी होता है कि स्कूलों को बंद रखा जाए और बाद में जो निचले स्तर के उनके अधीनस्थ पदाधिकारी जो निकाल रहे हैं पत्र और उसमें कहा जाता है कि केवल शैक्षणिक कार्य बंद रहेंगे, तो शिक्षक लोग खेती किसानी करने के लिए स्कूल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन शिक्षकों की उपस्थिति आप अनिवार्य करेंगे। तो इस प्रकार की अगर व्यवस्था हो रही है तो एक शक है और एक आशंका है, संदेह हो रहा है लोगों को कि इस तरह की स्थिति आज तक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के संदर्भ में तो कभी नहीं देखा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते थे वो होता था, लेकिन आखिर ये क्या हो गया है? बिहार के लोग बहुत परेशान है, हम लोग भी परेशान हैं, सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं। ऐसा तो तभी हो सकता है जब एक मुख्यमंत्री को अगर एक पदाधिकारी अगर उनको औकात बताता रहे, उनको आईना दिखाता रहे और उनके सारे आदेशों में उलट फेर करता रहे, वो अपने मन के हिसाब से चलता रहे, तो एक बात तो तय है कि कुछ न कुछ तो ऐसी बात है जिसके कारण मुख्यमंत्री जी उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी को? आखिर वह कौन सा राज है? आखिर वह मुख्यमंत्री जी की कौन सी कमजोरी है? वह कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री जी का छिपा हुआ रहस्यमयी कुछ इस प्रकार का कृत्य है जो दिखा करके कोई पदाधिकारी इनको ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है? यह संदेह हो गया है हम लोग, और अगर ब्लैकमेल किया जा रहा है उनको तो बिहार के राजनेताओं को उस पर संज्ञान लेना चाहिए, जितने भी सत्ताधारी दल के लोग हैं उन्हें भी संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर मुख्यमंत्री के कौन से ऐसे गलत राज हैं जिस राज को यह व्यक्ति जान रहा है और उसको एक्सपोज करने की धमकी देकर कहीं ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है। मैं इसका कोई दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा जो हो रहा है ऐसा तभी हो सकता है जब कोई व्यक्ति दबाव में हो और कोई निर्णय नहीं ले पाए, नहीं तो एक मुख्यमंत्री ऐसा सक्षम व्यक्ति और उसको एक पदाधिकारी इस प्रकार से करता चले, यह कहीं ना कहीं दाल में काला है, कुछ न कुछ तो जरूर है। और ये जो कुछ भी हो रहा है, बिहार के तमाम जो शिक्षक साथी हैं आप सभी लोग देख लीजिए जो कुछ हो रहा है और इस पर सोचिए, आत्मचिंतन करिए। यह जो कुछ भी पूरे बिहार के अंदर जो परिस्थितियां बनी हुई है, आखिर गरीबों के बच्चों के साथ जो कुछ भी हुआ, आज मुख्यमंत्री जी के आदेश से ठीक है 8 तारीख तक शैक्षणिक कार्य बंद हो जाएंगे, लेकिन इसके पूर्व आज तक जो इस तपिश में इस 46 डिग्री 47 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर में जो बच्चे झुलसे, जिन बच्चों के नाक से ब्लीडिंग हुई, जिन बच्चों ने खून की उल्टियां की, जो बच्चे स्कूलों में बेहोश होते रहे, जो शिक्षक सड़कों पर एक्सीडेंट में मरते रहे, जो अभिभावक परेशान रहे, सारे के सारे लोग जो परेशान हुए और जो लोग ये कष्टमय जो परिस्थितियों का जो सामना किए, इसके लिए जिम्मेवार व्यक्ति पर क्या कार्रवाई हो रही है? क्या केवल एक आदेश दे करके
और 8 तारीख तक स्कूल बंद कर देना ही केवल पर्याप्त है? मैं समझता हूं ऐसा पर्याप्त यह नहीं है। ऐसे में तो कोई भी पदाधिकारी मनमानी करेगा और फिर बाद में एक आदेश जारी होगा, फिर उसके आदेश को निरस्त किया जाएगा या कुछ उसमें बदलाव कर दिया जाएगा, तो फिर तो पदाधिकारी ऊपर रहेगा। तो राज्य में पदाधिकारी ऊपर हैं या मुख्यमंत्री ऊपर हैं, यह एक पहेली है। इस पहेली को सुलझाने के लिए आप भी प्रयास करिए, हम भी प्रयास करते हैं, लेकिन 4 तारीख के बाद इस पहेली को हम सुलझाएंगे, सामने में लाएंगे और इसके लिए हम हर जो कुछ भी संभव होगा हम करने का प्रयास करेंगे। हम तो रडार पर चल रहे हैं, हम लगातार आईना दिखा रहे हैं और आईना जब मैं दिखाता हूँ तो उनको अपना चेहरा साफ साफ नज़र आता है, आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, तो उन्हें इस बात के लिए कष्ट होता है। मेरी बर्खास्तगी के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है, हमें भी कहीं कहीं से सूचना मिल रही है कि मैं जल्द ही बर्खास्त होने वाला हूँ। बर्खास्त होना मुझे स्वीकार है, मैं सड़कों पर रहना स्वीकार करूँगा। मैं अपने शिक्षकों के बीच झोली फैलाकर घूमूंगा, लेकिन इस प्रकार के अत्याचारी, दंभी, अहंकारी और मनमानी करने वाले, संविधान विरोधी, जनता विरोधी, लोकतंत्र विरोधी ऐसे पदाधिकारी के खिलाफ बगावत जारी रहेगी और हम विरोध करते रहेंगे। शिक्षक यदि मौन हो गया तो बोलेगा कौन? इसलिए ये आखिर क्या है रहस्य, इस रहस्य से पर्दा उठना जरूरी है। कौन सी राज है, कौन सा राज है, कौन सी बात है और उस अंदरखाने का वह कौन सा ऐसा छिपा हुआ रहस्य है जिसके कारण माननीय मुख्यमंत्री के आदेश में भी बदलाव कर दिया जा रहा है और उनके आदेश को लागू नहीं किया जा रहा है। तमाम साथी हौसला हिम्मत बनाए रखिए, केवल चुनाव की काउंटिंग होने दीजिए, आचार संहिता समाप्त होने दीजिए और उसके बाद हम लोग इस तानाशाही के विरुद्ध, इस हिटलरशाही के विरुद्ध और ये प्रताड़ना के विरुद्ध, यह मानवता पर उत्पन्न किए गए खतरा के विरुद्ध खड़ा होने के लिए अपने को मजबूत बनाइए। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो के पाठक पर काफी ज्यादा गर्म है बंसीधर विजवासी और खूब ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि के पाठक ने गर्मी की छुट्टी को कैंसिल कर दिया था और शिक्षकों को स्कूल बुलाया जा रहा था और अभी जब बच्चों की छुट्टी है फिर भी स्कूल में शिक्षकों को आना पड़ रहा है। और इसी पर बंसीधर बिजवासी कह रहे थे कि आप एक काम करिए, शिक्षक तो स्कूल आ ही रहे हैं और जगह जगह अपने घरों में भी झाड़ू पोछा लगाने के लिए भी इन्हें काम पर लगा दीजिए, शिक्षक का बस यही काम रह गया है। तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है शिक्षक नेता। अब आगे देखना है कि क्या इस पे कार्रवाई होगी, क्योंकि शिक्षक नेता ने अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अभी आचार संहिता चल रहा है और 4 जून को रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो भी हमें करना होगा हम करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है, दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।